कैसे हो आप सब लोग। यूपी एनएचएम ट्रांसफ़र अपडेट। जी हाँ साथियों, यूपी एनएचएम ट्रांसफ़र्स के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, कॉल भी आते हैं कि सर हमको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कराना है। तो यूपी एनएचएम ने देखिए कभी अभी लेटर जारी किया है, 21 फरवरी को ही लेटर जारी किया है। उसमें जानकारी दी गई है कि जो ट्रांसफ़र्स के रिगार्डिंग जो पॉलिसी है वो क्या कहती है। दूसरी बात यह है इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं दोस्तों, एनएचएम सीएचओ के लिए ये पॉसिबल हो सकता है, एनएचएम नर्स के लिए, एएनएम के लिए। तो अब ट्रांसफ़र्स के लिए जो लेटर आया है उसमें क्या अपडेट है वो जानकारी मैं आपको पूरी देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है उसकी भी अपडेट आप लोग जान लीजिए। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ जो लेटर अभी निकाला गया है, देख लीजिए। यहाँ पर यह यूपी एनएचएम के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है, देख सकते हो। इसमें ये 21 फरवरी 2024 को ही निकाला गया है। इसमें बताया गया, देखिए, सेवा में समस्त जिलाधिकारी यानी कि जिला स्वास्थ्य समिति के लिए और समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो ऊपर से जो प्रेषक यहाँ पर पार्थ सारथी सेन शर्मा जो प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उन्होंने इनको लिखा है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के स्थानांतरण के संबंध में बताया गया है। इसमें लेटर संख्या सब कुछ दिया हुआ है। एनएचएम के अंतर्गत जो काम करते हैं उसमें देखिए बताया गया कि दिनांक 12/9/2023 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों के स्थानांतरण ना किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यानी कि जो एनएचएम वाले कर्मी हैं उनके लिए पहले से ही ट्रांसफ़र ना करने के दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। और अभी जो प्राय संज्ञान में आया कि स्पष्ट निर्देशों के उपरांत भी कतिपय जनपदों में के द्वारा नियम विरुद्ध संविदा कर्मियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है। यानी कि बोला गया था पहले ही जो आप वैकेंसी निकाली जाती है उनमें ही उनको उनके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग दे दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स जो जॉब करते हैं उनको दूर दूर इधर उधर फेंक दिया जाता है। तो उनका कहना यह है कि उनको पहले से ही उनका स्थान मिल जाता है, तो बाद में ये जो जॉब है ये स्थानांतरण करने की नहीं है, यानी कि ट्रांसफ़र नहीं होगा। सीधा सीधा बात यह है। तो जिसके अनावश्यक बाद के स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जनपद द्वारा किए गए स्थानांतरण की जिम्मेदारी राज्य द्वारा व्यवहित नहीं की जाएगी। यानी कि जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं दोस्तों राज्य के द्वारा व्यय नहीं की जाएगी। ये उक्त संबंध में यदि कोई न्यायिक कार्रवाई होती है तो जनपद के स्थानांतरण करने वाले अधिकारी स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे। देखिए ऊपर से पॉलिसी नहीं है ट्रांसफ़र की कि आपका ट्रांसफ़र करा रहे हैं, नीचे से ही आपको ये सीएमओ जितने भी हैं सीएमओ वगैरह ये जो ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तो कोई भी जो ट्रांसफ़र करा रहे हैं जितने भी अधिकारी हैं तो ये जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, ठीक है। वैसे लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी है नहीं। उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु लागू मानव संसाधन नीति, डैप गाइडलाइन व अन्य पत्रों के माध्यम से स्थानांतरण कार्य समीक्षा इत्यादि के संबंध दिए गए दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। तो दोस्तों म्यूचुअल की जो बात है दोस्तों म्यूचुअल का नहीं लिखा गया है, बाकी जो स्थानांतरण जो डायरेक्ट ही कर देते हैं उनके लिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये नया अपडेट था, आप लोगों को ज़रूर बताना था दोस्तों, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल का जो अपडेट है दोस्तों, म्यूचुअल खुलते हैं यूपी में, म्यूचुअल सबसे बेस्ट ऑप्शन सभी के लिए जो एनएचएम कर्मी हैं उनके लिए बेस्ट है। तो उसके रिगार्डिंग आप लोग अपना एक म्यूचुअल देख सकते हो, बाकी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट मिलेगी तो वो भी हम आपके लिए बता देंगे। आप सबको पता होगा दोस्तों नर्सिंग के